सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, राइट? सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने से पहले लेट्स रिवाइज क्लास 9th. क्लास 9th में आपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े होंगे. देखो बच्चा, आप सबको पता है कि अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड रिएक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फॉर्मूलेज आने चाहिए जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है? तो अभी इस चैप्टर के अंदर जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं, आई विल रिवाइज ऑल दोस फॉर्मूलाज, जिससे जब भी आप रिएक्शन करें तो आपको फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम ना हो. अगर आप फॉर्मूला सही लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप रिएक्शन भी गलत कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है? सो कुछ रिएक्शंस समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चा? सो लेट्स रिवाइज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज के नाम लिखूंगी, ठीक है? और नाम लिखने के बाद जो जो फर्स्ट चैप्टर में कवर हो रहे हैं मैं उनके नाम लिखूंगी, और नाम लिखने के बाद हम समझेंगे कि उनके फॉर्मूलाज क्या है, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दिस चैप्टर, राइट? तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखे हैं, ठीक है? कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं. अब लेट्स सी कि इनके फॉर्मूलाज क्या बनते हैं. इसके अलावा ये बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन मेनली जितने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आने चाहिए वो इनके अंदर आ चुके हैं, ठीक है? जैसे देखो, फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमें पता है मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg. द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, ठीक है? और ऑक्साइड का क्या होता है, हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस 2 हुई, ऑक्साइड के लिए अपन -2 लिखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है, MgO. ये हम 9 का रिपीट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा? ऐसे ही लेड नाइट्रेट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट में हम Pb की वैलेंसी +2 लेते हैं और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, तो 2 यहाँ पे गया और इसका फॉर्मूला क्या बना, PbNO3 होल ट्वाइस. ये लेड नाइट्रेट हम पढ़ेंगे इन द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? थर्ड वन इज पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम के आयोडाइड आए, आयोडीन की वैलेंसी -1 होती है, के की वैलेंसी +1 होती है, तो इट विल बी के आई. जिंक क्लोराइड, जिंक की +2, Cl की -1, ये +2 यहाँ पे जाके बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम जिंक क्लोराइड ज़ेरेन Cl2. जिंक सल्फेट, अगेन जिंक सल्फेट SO4, SO4 की 2-, देखो मैं यहाँ बना के बताती हूँ, जिंक 2+, सल्फेट 2-, ये कैंसिल आउट हो गया एंड इट विल बिकम जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है? फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर कि लोअर वैलेंसी जब भी होती है तो लगता है अस, OUS फॉर लोअर वैलेंसी एंड इक फॉर हायर वैलेंसी. तो अस के लिए होता है +2, इक के लिए होता है +3 आयरन के केस में, ठीक है? सो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के अंदर फेरिक ऑक्साइड के लिए क्या आएगा, +3, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe यहाँ पे 3+, ऑक्साइड के लिए 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो इसका फॉर्मूला क्या बना, Fe2O3. सो ध्यान रखना Fe2O3 इज अ फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, राइट? तो हम यहाँ पे एक बार इसे रब करके लिख देते हैं, फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3, ठीक है? फेरस ऑक्साइड का क्या होगा, FeO, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 है, ऑक्साइड की -2 है, तो इट विल फॉर्म FeO. बेरियम क्लोराइड, Ba2+ होता है, Cl-1 होता है, तो क्या बन गया, BaCl2, बेरियम क्लोराइड. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट. देखो बच्चा, एल्यूमिनियम 3+ होता है, सल्फेट 2- होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बनाएंगे Al2SO4 होल थ्राइस. ये बात ध्यान रखना, ये जो 2 होगा वो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये एक रेडिकल है, ठीक है? ये रेडिकल है, इसके लिए ये जो 3+ है ब्रैकेट होल ब्रैकेट लग करके यहाँ पे आएगा, तो इट विल बिकम Al2SO4 होल थ्राइस. इसे अपन क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हम क्या लिखेंगे, Al क्लोराइड की कितनी होती है, -1, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 3+, सो इट विल बिकम AlCl3. बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट जैसे हमने बेरियम क्लोराइड के अंदर पढ़ा था, +2 होती है और सल्फेट की 2- होती है, सो इट विल बिकम BaSO4, ठीक है? सोडियम सल्फेट, अब देखो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की होती है 2-,
तो ये प्लस वन टू यहाँ पे आएगा, इट विल बिकम Na2SO4। अगर किसी रेडिकल के ऊपर कोई नंबर आ रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, अगर नहीं आ रहा है तो देयर इज नो नीड टू पुट अ ब्रैकेट। सो यू विल राइट सिंपली Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+। ये एक मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन है, अमोनियम प्लस। सो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम प्लस Cl-, सो इट विल बिकम NH4Cl। ऐसे अगर अपने पास होता अमोनियम सल्फेट, देखो अगर अपने पास होता अमोनियम क्लोराइड की जगह अपन लिखते अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या होता अमोनियम NH4+ सल्फेट 2-, 2 यहाँ पे आता क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बनता NH4 whole twice SO4। आ गई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आपके 2 आ रहा है और ये एक रेडिकल है, इसलिए आपका जो 2 है वो ब्रैकेट लग के आया है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपके फर्स्ट चैप्टर में होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उनमें या तो जिंक रिपीट हो रहा है, या सल्फेट रिपीट होगा, या आपका क्लोराइड आयन आएगा, या नाइट्रेट आयन आ रहा है, या आयोडाइड आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपके रेडिकल्स है वो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको इन रेडिकल्स की वैलेंसी ध्यान है, अगर आपको इनके ऊपर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज, अगर आप ये पता कर पा रहे हैं तो यू कैन इजीली राइट द फॉर्मूला। ठीक है, सो इस वाले पार्ट में हमने ये रिवाइज किया है 9th क्लास का, और हमने ये देखा है, ये सीखा है कि हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, विच विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन।